लॉकडाउन के बीच नगर परिषद द्वारा शुरू किया गया आवारा पशुओं की धरपकड़ का अभियान शनिवार को भी जारी रहा। परिषद की अलग अलग टीमों ने राय कॉलोनी समेत कई क्षेत्रों में शनिवार को अभियान के तहत आवारा पशुओं को पकड़ा। परिषद की टीमों ने आवारा पशुओं को पकड़कर पास ही के बाड़े में कैद कर बाद में पिंजरे के माध्यम से नंदी गौशाला में भेजा। अभियान के तहत अब तक करीब 700 आवारा पशुओं को पकड़कर नंदी गौशाला में डाला गया है। लॉकडाउन के चलते आमजन की कम आवाजाही को देखते हुए आवारा पशुओं की धरपकड़ के लिए नगर परिषद द्वारा शुरू किया गया अभियान बाड़मेर शहर भर में जारी है। शनिवार को नगर परिषद के जमादार एवं सफाई कर्मियों ने आवारा पशुओं को पकड़कर चिन्हित स्थानों पर छोड़ा, जहां से आवारा पशुओं को नंदी गौशाला ले जाया गया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते शहर भर में आमजन की आवाजाही न होने के चलते नगर परिषद द्वारा आवारा पशुओं की धरपकड़ के लिए करीब 2 हफ्ते पहले अभियान शुरू किया गया था। आवारा पशुओं की धरपकड़ के लिए 2 टीमों का गठन किया गया, जिसमें 1 जमादार एवं 40 सफाई कार्मिक शामिल है। पिछले 2 हफ्तों से ये टीमें आवारा पशुओं को पकड़ने के साथ नंदी गौशाला पहुंचा रही है। ये लगभग 20 दिन हो गए। 20 दिन से अब तक कितने आवारा पशु पकड़ लिए? कौन कौन से मॉडल पकड़े? करीब करीब सभी वार्डों से 2 टीमें द्वारा पकड़े जा रहे हैं आवारा पशु, उसमें 5-5 जमादारों की 2 टीमें बनी हैं। कुल कितने कर्मचारी आपने इसमें लगे? एक टीम के पास 40 कर्मचारी है, तो उसमें 750 के करीब पकड़ी। किस तरह से पकड़ते हो, फिर कहाँ इकट्ठा करते हो, कैसे ले जाते हो? जो वार्डों के अंदर बाड़ों की व्यवस्था होती है, उसी व्यवस्था के हिसाब से पकड़ते हैं। और सवेरे 6 बजे से लेके 10 बजे, 10:30 बजे तक। फिर कैसे ले जाते हो उनको नंदी गौशाला? फिर नंदी गौशाला 2 जमादार अलग है, अविनाश और राधेश्याम, उनकी टीम द्वारा पिंजरे में डाल के नंदी गौशाला पहुँचाया जाता है। जमादार ने बताया कि पिछले 15 दिनों में नगर परिषद के कर्मियों ने 700 आवारा पशु पकड़े हैं। आवारा पशुओं को पकड़कर चिन्हित स्थानों पर बाड़ों में रखा जाता है और फिर पिंजरा गाड़ी में डालकर आवारा पशुओं को नंदी गौशाला पहुंचाया जाता है, जहां उनके चारे पानी और आहार की व्यवस्था की जाती है।